हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वार यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे समांतर श्रेणी, ठीक है, एपी जिसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे ये आता है नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही, पर हम इसे अलग से पढ़ रहे हैं ना। अब यहाँ पर हम सारी चीज़ें देखेंगे, कुल पदों की संख्या निकालना, टोटल पद निकालना, किसी नंबर के टर्म निकालना, मतलब कोई पद निकालना, उन पदों का योग निकालना, ठीक है। तो समथिंग 40 मिनट का ये वीडियो होगा, 30 से 40 मिनट का, आप अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे और हम सिर्फ इसमें उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे पेपर के लिए रिलेवेंट हो, ठीक है, हमारे पेपर से रिलेवेंट हो, मतलब एग्जाम में हमारे पूछे जा सके, जो कि एमपी के पेपर है, जैसे एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी, क्लियर है इतना। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी मैथ्स और अच्छी करना है आपको और हाई लेवल पढ़ना है, तो हमारा एक और चैनल है, आप उसे विजिट कर सकते हैं, जो कि स्टडी वायर के नाम से, ठीक है, स्टडी वायर मैथ्स, ठीक है, इसी नाम से आप सर्च कीजिएगा, तो उसमें आपको मैथ्स जीरो टू हीरो मिलेगा। कहने का मतलब कि सीडीएस सीजीएस लेवल तक भी है ना, जीरो तो करेंगे हम, बेसिक तो कंप्लीट करा रहे हैं वहां पर सारी चीजें भी कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप उसमें विजिट जरूर करना। आगे देखते हैं, सबसे पहले हम समांतर श्रेणी की बात करें, तो समांतर श्रेणी हम किसको बोलेंगे वो देखो, 2, 4, 6, 8 आगे तक, जिनमें अंतर समान हो, ठीक है, अंतर समान हो, हम उसे क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, समान अंतर वाली श्रेणी को समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो दो का अंतर, दो का अंतर, दो का अंतर, हम यहाँ लिख दे 1, 8, 15, ठीक है, और आगे, क्या ये समांतर श्रेणी है, तो बिल्कुल है। यहाँ पर 7 का अंतर है, यहाँ पर 7 का अंतर है, आगे भी कितने का अंतर आएगा, 7 का, तो अगला टर्म क्या आ जाएगी, 22 आ जाएगी। तो ये चीज़ हम यहाँ सिर्फ इतना समझना चाह रहे थे कि समांतर क्या होता है, ठीक है, समांतर, ठीक है, श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होती, तो आप ये चीज़ समझ पाए। आगे देखते हैं, अब समांतर श्रेणी में अब हम टर्म की बात करें, तो इसी एक एग्जांपल को हम आगे लेकर सॉल्व करते हैं, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है, यहीं तक। अब देखो, अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ से यहाँ तक टर्म की, अब ये जो फॉर्मूले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन हम उसी चैनल पर समझाएंगे, है ना, क्यों होता है कि इसमें ज़्यादा समय लगता है, कि फॉर्मूले आए कहाँ से, कैसे, क्यों होता है, बाकी हम इसमें इतना जरूर पढ़ेंगे कि सारी चीज़ आपके पेपर में सॉल्व हो रही होगी, पर कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो, जब भी एक फॉर्मूला है टी एन बराबर से ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, सबसे पहले इनका मतलब क्या होता है वो देखो, उसके बाद हम इसे लगाना कहाँ है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। इस ए का मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद। एन का मतलब होता है कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। और डी का मतलब होता है सार्वांतर, ठीक है, सार्व अंतर, क्लियर है। और टी एन का मतलब होता है उस नंबर का पद, अगर मैं यहां लिख दूं, समझना, टी फाइव लिख दूं, मतलब पांचवें नंबर के पद की बात की जा रही है। अगर टी टेन लिख दूं तो टी टेन मतलब होता है दसवें पद की बात की जा रही है। चीजें समझ पा रहे हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि टी एन बराबर से ए प्लस कोष्टक में एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ए प्रथम पद है, एन पदों की संख्या है, और डी क्या है, सार्वांतर है। टी एन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो उस नंबर के पद को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं टी फाइव लिख दूं तो टी फाइव मतलब पांचवें पद की बात कर रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा पद क्या आएगा, 10। तो इस 10 को हम लिख सकते हैं क्या, टी फाइव, और टी फाइव का मान कितना है, 10। तो अगर हम पांचवें पद की बात करें तो कितना है, 10। तो हम ये बोलते हैं कि 10 कौन सा पद है, तो पांचवा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, टी फाइव लिखेंगे। ये चीज़ समझ पा रहे हैं। अब देखो, हम इसे यूज़ किस प्रकार करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन सिर्फ इस फॉर्मूले से बनेंगे। और हो सकता है कि आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम टीचर इसे छोड़ देते हैं, परंतु मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इनसे क्वेश्चन अब बनने लगे हैं, क्योंकि अब जो नया सिलेबस आया है एमपी का, उसमें ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में है, और 10th क्लास की एनसीईआरटी में इसका मतलब हमारे पेपर में आने की जो प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि 10th तक का सिलेबस तो नॉर्मली बोल रखा है हमको कि कोई भी पेपर हो उसमें 10th तक का सिलेबस नॉर्मली आएगा। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें आने की पूरी पूरी संभावनाएँ हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो, वैसे मैं थ्योरी नहीं लिखना चाह रहा था, पर लिख देता हूँ, है ना, आप भी इस प्रकार से याद रख लीजिएगा, श्रेणी 9, 5, 1, -3 का दसवां पद याद कीजिए, का दसवां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, यह हमसे क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा ध्यान से करना है, श्रेणी 9, 5, 1, -3 का दसवां पद याद करना है,
कौन से पद की बात कर रहा है? तो दसवा, दसवा मीन्स इसको हम क्या लिखेंगे, टी टेन लिखेंगे। क्लियर हो पा रहा है? क्योंकि टी रिप्रेजेंट करता है उस नंबर के टर्म को, ठीक है। मतलब टी एन जो लिखते हैं ना, तो हम इसको क्या पढ़ते क्या है, तो नंबर ऑफ एन टर्म है, ठीक है, नंबर ऑफ एन वी टर्म पढ़ते हैं, मतलब उस नंबर का पद। तो ये दसवा पद मतलब टी टेन लिखेंगे इसको, दसवें नंबर का। तो यहाँ से हम इतना जानते हैं कि इसको हम लिखते हैं टी एन। यहाँ हम समझा रहे हैं इसलिए इतना समय लग रहा, मतलब एन का मान कितना आ गया, पाँच। तो मैं एन का मान की बात करूँ तो कितना, सॉरी एन का टी टेन लिखा, मैथमेटिकली से लिखते हैं टी एन, तो एन का मान कितना आ गया, दस। मतलब एन का मान कितना आ चुका है, दस। तो टोटल कितने पदों की बात हो रही है, दस। प्रथम पद उसे हम ऐसे ही लिखते हैं, तो प्रथम पद कितना हो गया, नौ। डी की बारी आ रही, तो डी क्या होता है, दो पदों के बीच का अंतर है। तो दूसरा पद क्या है हमारे पास, पाँच। पहला पद कितना है, नौ। तो दो पदों के बीच अंतर कितने का है, चार का। मतलब यहाँ से माइनस चार हो रहा है, फिर इधर भी कितना हो रहा है, माइनस चार। तो अंतर चार ना होकर हम क्या बोलेंगे, अंतर कितने का है, माइनस चार का। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू है ए की, डी की और एन की और टी टेन। तो हमें, हम जानते हैं कि टी एन बराबर से फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। कोशिश करना, धीरे धीरे हम ये चीज़ें सीख चुके होंगे। टी टेन वर निकालना है, ठीक है, बराबर से ए का मान कितना है हमारे पास, नौ, प्लस एन का मान कितना है, तो दस। कैसे आया समझ पा रहे होंगे आप, दस माइनस एक, और डी का मान कितना है, तो माइनस चार। समझ पा रहे हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो नौ प्लस दस में से एक घटाएंगे तो नौ, क्लियर। इतना गुणा ये कितना हो जाएगा, माइनस चार, माइनस चार का नौ में गुणा करेंगे तो नौ माइनस नौ चौक कितना, छत्तीस। फाइनली आएगा कितना, तो माइनस सत्ताईस। तो हम ये बोल सकते हैं कि दसवां पद कितना होगा, तो माइनस सत्ताईस होगा। तो ये होगा फाइनली आंसर, ठीक है। इसे उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पाँच नौ तेरह, एक पाँच नौ तेरह का दसवां पद, इसका भी दसवां ही निकालना है ना, दसवां पद याद कीजिए। ये अगला क्वेश्चन हो गया, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो आप इसे सॉल्व करें। हम इतना समझने लगे हैं कि ये जो प्रथम पद है ये ए का काम करेगा, डी मतलब दूसरे पद में से पहले को घटाएंगे तो पाँच में से एक घटाएंगे तो बचेगा कितना, चार। तो डी का मान कितना आया, चार, प्लस का चार, क्योंकि यहाँ पर चार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए प्लस का चार। दसवां पद की बात मतलब टी टेन, और टी टेन मतलब एन का मान कितना आ जाएगा, तो दस आ जाएगा। ये चीज़ समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये एन को रिप्रेजेंट करता है, तो एन का मान आ गया दस, ए का मान एक, डी का मान चार। तो फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्लियर है। टी टेन निकालना है, ए का मान है हमारे पास वन, प्लस एन का मान कितना है, दस माइनस एक, और डी का मान कितना है, चार, क्लियर है। आगे सॉल्व करेंगे तो वन प्लस घटाएंगे तो कितना, नौ, नौ चौक कितना, छत्तीस, छत्तीस अरे कितना, सैंतीस। तो हम ये बोल सकते हैं कि दसवां पद क्या होगा, सैंतीस। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर पहली बार ये सिलेबस में है अपने एमपी के, तो अभी जो भी क्वेश्चन आएंगे इसके सरल से ही स्टार्ट होंगे, है ना। तो इसका दसवां पद क्या हो गया, सैंतीस। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, और जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे, मतलब जिनने मैथ्स से पढ़ रखा है, उन्हें ये बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, ठीक है। और ज़्यादा टफ अभी आना भी नहीं है, परंतु जिनको टफ पढ़ना है तो अगले चैनल पर विजिट करें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, श्रेणी 76, 72, 68 का कौन सा पद शून्य है, पद शून्य है। अब देखो, वीडियो रोको और एक बार खुद से सॉल्व करना, क्योंकि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको ये चीज़ें समझ पा रहे हैं या नहीं। सिर्फ लिखा तो इतना ही है, पर इसका मतलब क्या है। तो देखो, ये श्रेणी है, तो सबसे पहले आपको ए का मान मिल चुका है कितना है, 76। डी के मान की अगर हम बात करें तो 72 में से 76 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4, क्योंकि यहाँ माइनस का क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो ए का मान है, डी का मान है। कौन सा पद शून्य है, कौन से नंबर का पद शून्य है, मतलब जो पद आ रहा होगा ना फाइनल वाला, वो कौन सा आ रहा होगा, शून्य। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टी एन है इसका मान कितना है, जीरो। क्यों जीरो है, समझना, उस पद की बात कर रहा है, उस नंबर के पद की बात कर रहा है जिसका मान कितना है, जीरो। तो हम ये बोल सकते हैं कि टी एन का मान कितना है, जीरो। पर यहाँ एन का मान है क्या हमारे पास, नहीं है, तो हमें एन का ही मान लाना है, समझना। एक बार सॉल्व करते हैं, फिर एक बार और समझाता हूँ मैं। देखो, हम जानते हैं कि टी एन इज इक्वल टू था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्लियर। इतना टी एन का मान जीरो, क्योंकि वो वाला पद निकालना है जिसका मान जीरो है। बराबर से ए का मान कितना हमारे पास, 76 प्लस एन माइनस वन, डी का मान कितना है, माइनस फोर। इतने ही कुछ है क्या, आगे देखो, 76 इधर आएगा तो माइनस का 76,
बराबर से, माइनस फोर का गुणा होगा तो माइनस फोर एन, और माइनस प्लस का फोर, क्लियर है। और ये माइनस का फोर इधर आएगा तो सॉरी प्लस का फोर इधर आएगा माइनस में, तो माइनस का कितना हो जाएगा सेवन सॉरी 80 हो जाएगा क्या, बराबर से माइनस का फोर एन, माइनस से माइनस, चार एकम चार, चार दुनिया आठ, तो कितना आ गया 20। तो n का मान क्या आ गया 20, n का मान 20 आ गया, तो हम यहाँ n की जगह 20 लिख सकते हैं, तो 20 बराबर से कितना 0, तो हम ये बोल सकते हैं कि 20वें नंबर का जो पद है ना वो शून्य होगा, तो आंसर क्या आएगा 20 आएगा, समझ पा रहे हैं। तो आंसर क्या होगा 20, तो 20वें नंबर का पद क्या होगा शून्य होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो एक क्वेश्चन और हम ट्राई करते हैं, आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, श्रेणी है हमारे पास 4, 7, 10 का कौन सा पद 148 है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आपको इससे पहले का क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप इसे ट्राई करो, नहीं तो मैं जो कर रहा हूं आप मेरे साथ साथ देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ए का मान है कितना 4, डी का मान है हमारे पास कितना 3, समझ पा रहे होंगे, 7 में से 4 घटाएंगे 3। कौन सा पद 148 है, इसका मतलब टी एन का मान हमें नहीं पता है, पर यह पता है कि टी एन वा का पद कौन सा है 148, क्या चीज समझ पा रहे, टी एन का मान कैसे 148 है, क्योंकि अभी टी एन का मान 0 था, तो उसी प्रकार कौन सा पद 148 है, मतलब वो जो आगे आएगा इधर वो वाला पद कौन सा है 148वें नंबर का, तो 148वें पद को हम टी एन लिख लेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि टी एन बराबर से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन का मान कितना 148, ए का मान कितना हमारे पास 4, प्लस एन का मान नहीं पता माइनस वन, और डी का मान कितना है तो 3 है, क्लियर, इतना प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस में, तो बचेगा कितना 144 बराबर से एन माइनस वन इंटू कितना 3, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और 3 8 24 एन माइनस वन, तो एन का मान कितना आ जाएगा तो 49, तो एन का मान 49 आ गया, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि टी 49 वा पद क्या है 148, तो आंसर क्या आएगा तो 49 आएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, पर ये थ्योरी जरूर लिखना, बिना थ्योरी के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 86 लास्ट पद 86 है ना, का अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए, 15वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता, बस थोड़ा सा, एक बार वीडियो रोक के एक बार ट्राई कर सकते हैं आप, है ना। यहाँ पर देखो समांतर श्रेणी है 2, 6, 10, 86 तक का अंत से, मतलब इधर से कौन सा पद निकालना है, 15वां पद ज्ञात करना है, क्लियर इतना। तो देखो आपने सॉल्व कर लिया वो जिनको सॉल्व करना है, मतलब यहां से देखो कितना सॉल्व हो, प्लस फोर हो रहा था, इसका मतलब ये पद भी आया होगा तो कितना प्लस चार जोड़ के आया होगा, तो अगर मैं इस सीरीज को उल्टी लिख लूं 86, ये चार जोड़ने के बाद इतना आया, चार अगर घटाऊं तो इसके पहले का पद कितना था 82, और घटाऊं तो 78, ऐसे अंत तक श्रेणी होगी तो 10, 6 और 2, समझ पा रहे हैं, इस श्रेणी को मैंने उल्टा लिख लिया, क्लियर है इतना। इधर से कौन से नंबर का पद चाहिए, तो 15वां, क्योंकि ये तो अब अंत से हो गया ना, तो 15वां पद चाहिए, मतलब टी एन का मान कितना है 15 है, 15वां में सॉरी देखो टी 15 वा पद चाहिए, है ना, समझ पा रहे, क्योंकि 15वां पद मीन्स हो जाएगा टी 15, और 15 लिखा मीन्स एन का मान कितना आ गया 15, एन का मान 15 आ गया, तो ए का मान है हमारे पास 86, डी का मान है हमारे पास कितना कम हो रहा है -4, और एन का मान है कितना 15। सॉल्व करेंगे हम तो देखो टी 15 इक्वल टू ए प्लस, ए का मान कितना है 86 प्लस एन माइनस वन, तो n का मान कितना है 15 माइनस वन इंटू डी का मान कितना है -4, ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप, तो टी 15 इक्वल टू 86 प्लस यहाँ कितना बचेगा 14, और 14 चौक कितना 56, तो समझना यहाँ 15 में से घटाएंगे 14, वो भी आएगा प्लस का, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस का कितना
14 चौक 56, सॉल्व करेंगे तो 0 और 3, तो 15वां पद क्या होगा, तो 30 होगा, वो भी किधर से, अंत से 15वां पद क्या होगा, 30 होगा, तो फाइनली ये है हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो इसे आप उतार सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हो सकता है एक एक क्वेश्चन आपके लिए नया हो, परंतु फिर भी आपको इसे सॉल्व करना है, मतलब करना है। अब देखो एक छोटी चीज समझना, पहले मैंने क्या लिखा था, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये ठीक है, इसको हम प्रथम पद बोलेंगे, द्वितीय, चौथा, पांचवा, छठवा। अगर ये श्रेणी यहीं तक होती, मतलब ये लास्ट पद होता, और लास्ट पद होता तो हम इसको क्या टी एन वा नहीं लिख सकते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इसको टी सिक्स से लिख सकते हैं। तो टी सिक्स यहाँ पर क्या काम कर रहा है, 12, टी सिक्स लास्ट पद का काम कर रहा है। तो ये देखो कि हम इतना जानते हैं कि टी एन बराबर से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अगर हम जान रहे हैं कि लास्ट वाला पद छठवें नंबर का, तो हम इस टी सिक्स की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एल। तो लास्ट पद अगर हमें पता हो, तो टी एन की जगह क्या जाएगा, लास्ट पद बराबर से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जब भी लास्ट पद अगर आपको दिया हो, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे, बाकी इसका अदर से एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको, क्लियर है इस फॉर्मूले का। अब देखो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद, का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, और ये पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल आसान से बन सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए का मान हमारे पास है कितना, 8, ये आपको भी पता है। डी का मान की बात करें तो कितना है, 7, ये आपको दिख रहा होगा, क्लियर है। अब यहाँ हमने ये बताया था कि जो एन है वो क्या बताता है, पदों की संख्या को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उसने यही बोला कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब मान किसका ज्ञात करना है, एन का। उसने बोला कि अंतिम पद कितना है, 218, मीन्स यहाँ पर ये टी एन बोल दो या फिर एल बोल दो, तो एल का मान कितना है, 218 है। तो हमारे पास ए का मान, डी का मान और एल का मान हो जाएगा, तो फाइनली जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा वो कौन सा लगेगा, तो एल बराबर से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही लगेगा क्या। एल का मान कितना है हमारे पास, 218 बराबर से ए का मान कितना है, तो 8, प्लस एन का मान निकालना है, तो एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है हमारे पास, 7। ये 8 इधर आएगा तो 210 बचेगा, बराबर से एन माइनस वन इंटू कितना, 7, 7 एकम 7, 7 दिया 21, तो यहाँ कितना है, 30 बराबर से एन माइनस वन होगा, माइनस का 1 प्लस में आएगा तो 31 बराबर से एन, मतलब टोटल पदों की संख्या कितनी है, तो 31 है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इसे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखो, अब यहाँ योग की बात कर लेते। देखो योग मीन्स कैसा, यहाँ यदि मैं लिख दूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इन सबको जोड़ना है, परंतु हम देख रहे हैं कि ये किस श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में है तो जब इनका अगर पदों की संख्या निकालने का, पहला पद, सर्वांतर, कुल पदों की संख्या, इस नंबर के पद निकालने का अगर फॉर्मूला है, इसका मतलब योग निकालने का भी फॉर्मूला होगा, तो योग का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। बाकी कैसे आता है वो चीज़ों की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। हो सकता है आपको ये फॉर्मूला थोड़ा टफ लगे, समांतर श्रेणी के कुल पदों का योग निकालने के लिए हमेशा और हमेशा ये फॉर्मूले का इस्तेमाल अपन करेंगे, एन बाई टू कोष्टक के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, क्लियर है। तो आपको ये याद रखना है। तो देखो यहाँ पर हम इतना जानते हैं एन कुल पदों की संख्या होगी, और डी क्या हो जाएगा, सर्वांतर, ए क्या हो जाएगा, प्रथम पद, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, ठीक है। चाहो तो आप इसे उतार सकते हैं। एन क्या है, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ए क्या है, प्रथम पद,
और ये डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी यही हो जाएगा, कुल पदों की संख्या डी क्या हो जाएगा, सार्वांतर। क्लियर है? तो मैं इसे मिटा रहा हूं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 1, 6, 11, 16, 1, 6, 11, 16 के 30 पदों का, के 30 पदों का योग ज्ञात करो। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन दे रखा बहुत सिंपल सा कि 1 + 6 + 11 + 16 के 30 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 30 पदों का योग ज्ञात करना, तो टोटल पदों की संख्या n, n से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कुल पदों की संख्या, और n का मान कितना आ गया 30। a मतलब प्रथम पद कितना है, 1। d मतलब दो पदों के बीच का अंतर है, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 5। क्लियर है? क्योंकि समांतर श्रेणी है, 5-5 जोड़ के आगे बढ़ रहा है। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो योग का फॉर्मूला होता है, आप मेरे साथ साथ बोलो, n/2 कोष्टक में 2a + n-1 × d। क्लियर है? आगे सॉल्व करेंगे तो n का मान कितना अपने पास, 30। तो 30/2 कोष्टक के अंदर आ जाएगा, 2a का मान 1 प्लस n का मान कितना है हमारे पास, तो 30। तो 30 - 1 और d का मान कितना है, 5। क्लियर हो पा रहा है? आगे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा कितना, 15, 2 प्लस, देखो यहाँ कितना जाएगा, 29, और 29 × 5 = 145। 30 में से घटाएंगे 29, 29 × 5 = 145, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 147। तो 15 × 147 होगा, 15 × 7 = 105, का 5 बचेगा 10, 15 × 60 और 10, 70 का 0 बचेगा कितना, 7, 15 × 1 = 15 और 7 कितना जाएगा, 22। तो फाइनल योग कितना जाएगा, तो 2205। समझ पा रहे हैं? एक और क्वेश्चन आगे ट्राई करते हैं, वो देखो। ठीक है, चाहो तो आप इसे उतार सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन इस प्रकार के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, 1 से लेकर 100 तक सभी 4 से 3 से विभाज्य संख्या का योग ज्ञात करो। अब देखो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि 1 से लेकर 100 तक सभी 3 से विभाज्य संख्या का योग ज्ञात करो। तो बोला कहां से है, 1 से, कहां तक है, 100 तक। तो 1 तो 3 से विभाजित होगा नहीं, 2 नहीं होगा, क्या विभाजित होगा, 3। फिर अगला क्या विभाजित होगा, 6, फिर होगा 9। क्या 100 विभाजित होगा, नहीं, 100 तक बोला है, तो 100 से पहले क्या विभाजित होगा, 99। कहने का मतलब कि 1 से लेकर 100 तक अगर हम ऐसी संख्या निकालें जो 3 से विभाजित हो रही, तो पहली संख्या 3, फिर 6, फिर 9 आएगा। 100 तो विभाजित हो नहीं रहा 3 से, तो 100 से पीछे वाला क्या था, 99। 99 विभाजित होता है, और इन सभी संख्या का क्या बोला है, 3 से विभाजित संख्या का योग ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे तो ये समांतर श्रेणी बन गई, 3 का अंतर 3 का अंतर 3 का अंतर। क्लियर इतना? अब यहाँ हमें क्या चाहिए, योग चाहिए। तो देखो योग में सबसे पहले क्या आता है, n/2 फॉर्मूला देखना एक मिनट, फिर थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस करते हैं। n-1 × d, हमें यहाँ n की जरूरत होती है, तो कुल पदों की संख्या हमारे पास है क्या, यहाँ नहीं है, और कुल पदों की संख्या नहीं है, तो कुल पदों की संख्या निकालने के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, l = a + n-1 × d। क्या ये पढ़ा था, यहाँ से हम n का मान निकाल सकते हैं। l का मतलब लास्ट पद कितना है, 99। a का मतलब प्रथम पद कितना है, 3। क्लियर हो पा रहा है? एन का मान चाहिए तो n-1, और डी का मान कितना है, तो 3। ये इधर आएगा तो -3 कितना बचेगा, 96। तो 96 = n-1 और d का मान कितना है, सॉरी 3। 3 से काटेंगे तो 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6, तो 32। माइनस का वन इधर आएगा तो कितना आएगा, 33। तो n का मान कितना आ गया, 33। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इसको डायरेक्ट भी 3 से डिवाइड कर लेते 100 को, तो भी 33 पद मिल जाते, परंतु एक क्वेश्चन को तो कर लेते। अगर हम, मैं ये बोल दूँ 25 से लेकर 100 तक 8 से विभाजित संख्या का योग, तब क्या करोगे? इसलिए मैंने इसे ऐसे सॉल्व करा कि आपको पता हो निकालेंगे कैसे। तो n का मान 33 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे n का मान 33/2। 2a का मान कितना है आप जान रहे हैं, 3, प्लस n का मान कितना है, 33। 33 में से घटाएंगे तो 32 × d का मान कितना है, तो 3। क्लियर है इतना? आगे सॉल्व करेंगे तो देखो कैलकुलेशन आप करना है ना, ये 2 से 2 कट जाएगा और यह आ जाएगा 16। तो 16 + 3 = 48, 48 और 3 हो जाएगा 49, 50 = 51। तो 33 गुणा
51 आ जाएगा। हम आगे सॉल्व करेंगे तो 33 एकम 33 का 3 बचेगा 3, और 33 पंचे हो जाएगा 155, सॉरी 3 पंचे 115, तो 165, 166, 168, 168, 168, ठीक है 168। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 1683। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। देखो अगला क्वेश्चन और देखते हैं, एक और जो कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन बने तो आपको दिक्कत ना हो। सॉरी इतना बेटा की गलती कर ली है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 55 और 555 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। यहां पर एक छोटी सी टर्म लिखी है बीच, के बीच का मतलब होता है 555 को भी नहीं, सॉरी 55 को भी नहीं लेना, 555 को भी नहीं लेना, के बीच मतलब वो भी 5 से डिवाइड होने वाली। तो देखो 5 और 555 के बीच की बात हो रही है, मतलब ना ही इसको लेना है ना ही इसको लेना, पर इनके बीच की संख्या लेना। तो अगली संख्या क्या आएगी 60, फिर आएगा 65 जो 5 से विभाजित हो रही होगी, इस संख्या को लेना है क्या? नहीं, क्योंकि उसके बीच की बात हो रही है। तो लास्ट संख्या कितनी आएगी 550। क्लियर हो पा रहा है? ये एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। सबसे पहले हमें एन की जरूरत होती है, उसको किससे निकालते हैं, एल बराबर से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से क्या निकालते हैं, एन का मान कुल पदों की संख्या। एल का मान कितना है 555, ए का मान कितना है 55 प्लस, सॉरी ए का मान कितना हो जाएगा 60, एन माइनस वन, और डी का मान कितना है 5। 60 इधर आएगा तो माइनस का होगा तो बचेगा 5, 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना 9, और यहाँ कितना 4, तो 495। ठीक है, बराबर से कितना है तो एन माइनस वन इंटू 5, 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और 5 9 45 बराबर से एन माइनस वन, तो कितना आ जाएगा 100। ये काय का मान आ जाएगा एन का मान। योग निकालना है तो योग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है एन बाय टू कोष्टक के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान कितना है हमारे पास 100 बटे में 2, 2 का 2, a का मान कितना है तो 60 प्लस एन का मान कितना है 100, 100 में से घटाएंगे 99 गुणा कितना 5। क्लियर है? इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 से कितना आ जाएगा 50, तो 50 छः दूनी 12 120 प्लस 99 पंचे 100 पंचे 500 मतलब 495। ठीक है, और आगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो इधर देख लो 50 गुणा 5, 9 और 2 11 का 1 बचेगा 1, 4 और 5 और 1 6। क्लियर हो जाएगा? 5 से गुणा करेंगे 25 का 5 बचेगा 2, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 का 30 और 0, टोटल आंसर कितना जाएगा 30750। ठीक है, इस प्रकार के और क्वेश्चन के साथ हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया तो इसे यहीं रोकते हैं ना।